बच्चों, कल हमने सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार अंकों की अंक में गिनते हैं कि कितने सार्थक अंक हैं, लेकिन उन सार्थक अंकों का प्रयोग हम गणना में कैसे करेंगे इस बात को आज जानना है। गणना में बच्चों चार तरीके की क्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें आप लोग जानते हो, योग, अंतर, गुणा और भाग। बच्चों इनको जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग का नियम क्या है कि जिन संख्याओं को आप आपस में गणना करते हुए चाहे जोड़ रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे भाग कर रहे हो, आपको ये देखना है कि जिन संख्याओं को हम हल कर रहे हैं उसमें से सबसे कम सार्थक अंक किस अंक में। जैसे मान लो मैंने मुझको 3.125 और 1.5 को जोड़ना है, तो जोड़ का आंसर आएगा 5, 2, 6, 3, 4, ये आंसर आएगा। लेकिन सार्थक अंकों की दृष्टि से ये आंसर ठीक नहीं है। करना क्या है कि हमने इन दोनों अंकों को जोड़ा, जिसमें सार्थक अंक है 4, दूसरे वाले अंक में सार्थक अंक है 2, तो मेरे को एक अंक में सार्थक अंक 4 है, एक अंक में सार्थक अंक 2 है। तो ये देखना है कि जिन संख्याओं को हमने हल करा उसमें से कम सार्थक अंक किसमें है। तो कम सार्थक अंक जैसे 2 निकले हैं, तो जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होंगे, आपको अपना आंसर, चाहे वो जोड़ रहे हो, चाहे घटा आपके कर रहे हो, चाहे गुणा चाहे भाग, आपको अपना आंसर सबसे कम सार्थक अंकों में देना होगा। जैसे कि इसमें 4 सार्थक अंक और ये 2, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 2 सार्थक अंकों तक होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सार्थक अंकों तक का मतलब है 4.6 तक आंसर होना चाहिए। तो हमें ये 2 और 5 छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब इसको हम छोड़ेंगे कैसे कि आंसर 4.6 लिखें या कुछ और लिखें। तो बच्चों इस परेशानी को भरने के लिए आपको हम बताएंगे अंकों को परिशोधित करने के लिए, कि मतलब जैसे आंसर हम 2 अंकों तक देना चाह रहे हैं या आंसर हम 3 अंकों तक देना चाह रहे हैं, तो 3 अंकों तक आंसर लिखेंगे तो आगे के अंक कैसे छोड़ेंगे, चौथे अंक को कैसे छोड़ेंगे, या 2 अंकों तक आंसर दे रहे हैं तो तीसरे अंक को हम कैसे छोड़ेंगे। तो उसकी देखो तरकीब बच्चों क्या है, उसके 3 नियम हैं कि सपोज करो मैंने अंक लिखा 3.265, मान लो आंसर मुझे 2 सार्थक अंकों में देना है, तो 2 सार्थक अंकों में देना है तो यहाँ तक आंसर देना है, तो मेरे को छोड़ना कौन है 6। तो जिस अंक को परिशोधित करना है, यहाँ पर मैं 6 को छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उस अंक को देखना है कि वो अंक 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो क्या करेंगे कि संख्या में जिस अंक को परिशोधित करना है, तो मैं परिशोधित किसे करना चाह रहा हूँ, 2 को, तो मैं ठीक उसके बाद का अंक देखूंगा जो है 6, तो मुझे 6 से छोड़ना है। तो बाद का अंक यदि लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो परिशोधित अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे मैं इस अंक को छोड़ना चाह रहा हूँ 6 को, जो कि 5 से बड़ा है, तो अगर ये मान लो अंक ये होगा 3.245 और मेरे को आंसर यहाँ तक देना है, तो मेरे को 4 छोड़ना है। अब 4 कैसा है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो मेरा 2 सार्थक अंकों में आंसर हो जाएगा 3.2। तो पिछले अंक में मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूँगा। तो यदि संख्या में किस अंक को परिशोधित करना है उसके बाद का लेस देन 5 है, तो परिशोधित अंक में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, 5 से छोटे हो। अब यही अंक अगर 5 से बड़ा है, जैसे कि ये 6, और यही 2 सार्थक अंकों में आंसर देना है, तो फिर आप पिछले अंक में 1 जोड़ दोगे दूसरा। यदि अंक ग्रेटर देन 5 है तो परिशोधित अंक में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.2 में जोड़ दोगे 3। तो इस अंक को अगर परिशोधित करेंगे 6 को, जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर आंसर होगा 3.3। फिर यही कि यदि अंक 5 के बड़ा या बराबर है तो प्रॉब्लम निपट गई कि बड़ा है तो 1 जोड़ दो,
छोटा है तो वही रहने दो। अब यदि अंक पांच के बराबर हो, जैसे लिखा हो 3.25 आगे देखो, अब मेरे को दो सार्थक अंकों में आंसर देना है, अब छोड़ने वाला जो अंक है वो पांच के बराबर है। अब पांच के बराबर होने पर आपको ये देखना है कि पिछला अंक आपका सम है या विषम है। तो अगर पांच के बराबर है तो परिशोधित अंक सम होने पर अपवर्तित रहेगा। तो हम परिशोधित करना चाह रहे हैं दो को, ये पांच है जिसको छोड़ना चाह रहे हैं, पांच के बराबर है तो पिछला अंक जो दो है वो सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर अपरिवर्तित आंसर रहेगा, मतलब 3.2 दो सार्थक अंक, तो सम होने पर अपरिवर्तित रहेगा। अब विषम होने पर एक जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि मान लो होता 3.354। अब मैं इस अंक को दो सार्थक अंकों में आंसर दूंगा तो इसको मुझे पांच को छोड़ना है क्योंकि पांच के बराबर है, तो मैं पिछला अंक देखूंगा सम है या विषम है। तो पिछला अंक देखूंगा जो 3 लिखा हुआ है जो कि एक विषम है, और विषम होने की स्थिति में इस अंक में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.4। तो इस अंक को परिशोधित करेंगे तो 3.4 हो जाएगा। तो बच्चों इन नियमों से हम ये पता करते हैं कि हम अंकों को कैसे परिशोधित करेंगे। आंसर आपको गणना का कितने सार्थक अंकों में लेना है तो वह वहाँ से मालूम पड़ेगा कि जो आपको अंक दिए हुए हैं हल करने के लिए उसमें देखेंगे कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें हैं, और जितने जो सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या हो आपको आंसर को उतने ही सार्थक अंकों में लाकर रखना है।